एकजुट हुआ है दिल्ली में और जिस प्रकार से सेवा कार्यों में लगा उसके लिए हम सबको बहुत प्रेरणा मिली है। लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारे महानुभाव हैं, सबके नाम नहीं लेते हुए आप सभी को वंदन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। खास तौर पे माता शक्ति का प्रणाम करता हूँ जो अग्रवाल समाज के लगभग हर एक कार्यक्रम में बहुत अग्रसर रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। माता बहनों को विशेष रूप में शुभकामनाएं देता हूँ आज के महाराजा अग्रसेन जयंती जी के 5138वीं जयंती, 5138वीं जयंती। तो कितने गर्व की बात है हमारे हम सब के लिए कि भगवान कृष्ण के समय से महाराजा अग्रसेन ने इस धरती पर प्रवेश किया, एक मार्ग दिखाया, एक रास्ता दिखाया अहिंसा का। और अगर भारतवर्ष में जैसा कि एक सर्वे रिपोर्ट की भी अजय जी ने बात की, कुमार जी ने बात की समाज के सेवा कार्यों की, हमारे पूरे समाज का जो योगदान भारत में चाहे वो राजस्व में हो, चाहे सेवा कार्यों में हो, समाज को एकजुट करने में हो, भारत की अखंडता और एकता को सक्षम रखने में हो, मैं समझता हूँ अग्रवाल समाज का जो कार्य है इसकी देश और विदेश सभी जगह सराहना होती है, जिसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ। आज बहुत सारे अच्छे कामों की चर्चा हो रही थी, अभी अभी नेत्रहीन हमारे छोटे भाई बहनों को एक स्कॉलरशिप के रूप में मानधन दिया गया, 5 बच्चों को दिया गया, फिर मुझे बताया गया लगभग 700 बच्चों को 1100 रुपए हमारे समाज के सभी भाई और बहनों के सहयोग से दिए जाते हैं। मैं आप सबको इसके लिए विशेष धन्यवाद भी करूंगा और मुबारकबाद भी दूंगा, क्योंकि कई बार हम ये भूल जाते हैं कि बच्चों की छोटी आयु में अगर परवरिश ठीक से हो जाए, अगर शिक्षा अच्छी मिल जाए, तो कितने भी बाधाएं आए, कितने भी जीवन में समस्याएं हो, मनुष्य में एक ये ताकत है कि इन सब समस्याओं को बाधाओं को पार करके अपना जीवन एक अच्छा जीवन बिता सके, एक स्वावलंबी जीवन बिता सके। और मैं समझता हूं कि अग्रवाल समाज अगर किसी एक बात के लिए विशेष तौर पे देश भर में जाना जाता है वो उनका समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का जो संकल्प रहता है, जिम्मेदारियां पूरी करने का जो काम रहता है, उसी श्रेणी में अगर हम इस बात को और आगे लेके जाएं तो कई बार चर्चा होती है राजनीतिक भागीदारी की, कई बार चर्चा होती है समाज में स्थान मिलने की, पर मैं विजय जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। आज समाज में कितने व्यक्ति मंत्री बने, MLA बने, सिर्फ ये आकलन कोई समाज के परिचय का नहीं हो सकता। आज जो इतना काम हो रहा है समाज में, जो अस्पताल बने हैं, स्कूल बने हैं, जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति का सम्मान होता है हमारे समाज में, मैं समझता हूँ उससे बड़ा प्रतिष्ठा का कोई और स्तोत्र नहीं हो सकता, प्रतिष्ठा का कोई और मापदंड नहीं हो सकता। अन्य अन्य काम आज देश के सामने हैं, देश में एक नई लहर ऊर्जा के क्षेत्र में भी चल रही है, विकास के क्षेत्र में भी चल रही है। और इस सब में अगर हम देखने जाएं तो भारत की आर्थिक प्रगति भी, और उसके नाम गिने, अब मंच से मैं नाम नहीं गिनना चाहूंगा, पर अगर आप कोई भी भारत के प्रमुख 10-20-50 उद्योगपति हो, समाज सेवक हो, उनके नाम गिनने जाए तो आपको ध्यान आएगा कि भारत के विकास में हमारे समाज का कितना बड़ा योगदान है। और अगर इस विकास को हम सही पैमाने पर देखें तो इस विकास से ही समाज में भी परिवर्तन आएगा, सोच में भी परिवर्तन आएगा, काम में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन इस परिवर्तन में 2-3 कड़ियां जिसमें हमारे समाज का एक बहुत अहम भूमिका हो सकती है,
वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और आप सबसे अर्ज करना चाहूंगा कि इस पर हमें विशेष ध्यान दें। एक जो लड़ाई जिसमें प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा चिंतित भी है, सबसे ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, वो है भ्रष्टाचार की लड़ाई। भ्रष्टाचार के विरोध अगर हम पूरे समाज में ये संकल्प ले लें कि हम भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे, भ्रष्टाचार को होने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार के सामने हमारा समाज कम से कम लड़ेगा, तो मैं समझता हूँ देश का कायाकल्प हो सकता है। चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, चाहे वो अपना बिजनेस में अन्य अन्य प्रकार का काम हो, अगर हम सबने तय कर लिया कि हम समाज में भ्रष्टाचार रोकेंगे, भ्रष्टाचार के पीछे लड़ेंगे और भ्रष्टाचार जहाँ जहाँ हो रहा है उसकी जानकारी समाज में खुलासा करेंगे, तो मैं समझता हूँ वास्तव में देश सेवा इससे हमारा समाज सबसे अधिक कर सके। साथ ही साथ एक और पहलू जिस पे इस सरकार ने विशेष ध्यान दिया है वो है सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। अब पूरे देश में अगर हम आकलन लें तो वृद्ध लोगों के लिए कुछ पेंशन स्कीम या सोशल सिक्योरिटी स्कीम इतने वर्षों तक नहीं थी। हम सबके कार्यालयों में, हम सबके दफ्तरों में, हम सबके कारोबार में लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। अगर हम उनके आगे की भी चिंता करें और जो बीमा योजनाएं और अटल पेंशन स्कीम सरकार ने देश के सामने रखी है, इससे हम सभी को जोड़ने की कोशिश करें। हमारे घर पे ड्राइवर काम करते हैं, हमारे घर पे कोई ना कोई काम वाले काम करते हैं, हमारे दफ्तरों में प्यून है, छोटे अफसर होंगे, कर्मचारी होंगे, क्या इन सब के और इनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के बारे में हम सब विशेष चिंता कर सकते हैं? ऐसा संभव है कि हम सब ये तय कर लें, निर्णय ले लें कि हमारे जितने लोग हमारे नीचे हमारे साथ काम करते हैं हम उन सबकी सुरक्षा बीमा योजना लेंगे, जीवन बीमा योजना लेंगे, और खर्चा क्या है, 1 रुपये प्रति महीना 12 रुपये प्रति वर्ष देके व्यक्ति को 2 लाख रुपए की एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम मिल सकती है। 1 रुपये से भी कम 90 पैसा रोज अगर किसी के खाते में डाल के उनके परिवार को एक सुरक्षा मिल सकती है कि अगर कोई दुर्घटना, अगर कोई भी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा के माध्यम से पैसा मिले, ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा बन सकती है हर एक व्यक्ति को। एक्सीडेंटल डेथ अकारात्मक होती है, कम सडनली होती है, उसमें अगर 2 लाख रुपए परिवार को मिल जाए और उनके परिवार के बच्चों को आगे पढ़ने की सुविधा हो, घर चलाने में कुछ मदद मिल सके, और एक नॉर्मल डेथ अगर किसी भी वजह से होती है उनको भी 2 लाख रुपए मिल सके, इस प्रकार की ये 2 योजनाओं में अगर हम अपने सभी कर्मचारियों को जोड़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ अग्रवाल समाज अकेले ही पूरे देश में 20-25 करोड़ लोगों को इन 2 योजनाओं का लाभ दिला सकता है। वास्तव में अटल पेंशन स्कीम का भी अगर हम सब हमारे कर्मचारियों को लाभ दें और कोई हमारे यहाँ 20-25-30 वर्षों से काम कर रहा है उसको रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे मिले, कुछ सुविधाएं मिले, ये एक तरीके से हम सबका धर्म है। आखिर महाराजा अगर सिंह जी ने हमें क्या बताया था, अभी जो हमारी आरती थी उसमें भी हम सुनाते हैं कि जो समाज में व्यक्ति आया, अग्रोहा में जिस व्यक्ति ने प्रवेश किया रहने के लिए 1 ईंट और 1 रुपया, और ये हजारों साल पहले की बात है, हजारों साल पहले भी चिंता थी कि अगर हम पूरा समाज मिलकर 1-1 ईंट देता है तो उनका एक घर बन सकता है, एक अच्छे घर में वो रह सकते हैं, उनका जीवन सही तरीके से अच्छे तरीके से चल सकता है, और 1-1 रुपया जो हम सब समाज बटोर के देता है उससे वो कोई ना कोई कारोबार कर सकते हैं, सीड कैपिटल जिसको कहते हैं। ये कल्पना हजारों साल पहले रखना
आज प्रधानमंत्री जी या पूरे विश्व की आज कल्पना करें तो स्टार्टअप फंड आज चर्चा होती है स्टार्टअप्स की। मैं आज सुबह के अखबार देखूं और याद करूं तो हर अखबार में प्रमुखता स्टार्टअप फंड्स की बात है। कल ही शायद इकोनॉमिक टाइम्स का तो अवार्ड फंक्शन हुआ जो आज के पेपरों में रिपोर्टेड है। बेंगलोर में कल ही वो फंक्शन हुआ स्टार्टअप्स के बारे में और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने सैन फ्रांसिस्को सैन होजे में जो कार्यक्रम किया सिलिकॉन वैली में अमेरिका में, उसमें भी एक स्टार्टअप फंड इंक्यूबेशन फंड की घोषणा की गई। आखिर ये क्या है ये स्टार्टअप फंड, ये इंक्यूबेशन फंड, ये कॉन्सेप्ट हमने महाराजा अगरसिंह जी से सीखा है, जिसमें समाज में हर एक व्यक्ति ने एक एक रुपए देके एक अग्रवाल बंधु को स्टार्टअप फंड पेश किया। उस स्टार्टअप फंड से आज हमारा एक एक उद्योगपति देश विदेश में लखपति करोड़पति अरब करोड़पति बना और उससे आज समाज की भी वृद्धि हुई है, समाज सेवा में भी हम अग्रसर रहे, हम आगे रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम सब ये निर्णय ले लें कि हम आगे आने वाले दिनों में और अपने मित्रों को और अपने समाज के युवा युवतियों को पढ़े लिखे लोगों को किसी को भी बेरोजगार नहीं होने दें, किसी को भी लाचार नहीं होने दें और हम सब समाज मिलकर कुछ स्टार्टअप फंड्स की कल्पना या कुछ ऐसे कोऑपरेटिव वेंचर्स की कल्पना कर सके जिसमें अगर कोई हमारा साइंटिस्ट कुछ इनोवेशन लाता, अगर हम में से कोई एक नई कल्पना करता है, नए बिजनेस की कल्पना करता है, नए व्यापार की कल्पना करता है, नई दुकान चलाना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, उसमें भी हमारा समाज अगर मिलके युवा युवतियों को प्रोत्साहन दे सके तो मैं समझता हूं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, एक भारत जहां पे हर एक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिले, इंश्योरेंस बीमा के माध्यम से, पेंशन के माध्यम से, और एक भारत जिसमें हर एक को कामकाज का मौका मिले, व्यापार का मौका मिले, आत्मनिर्भर होने का मौका मिले, तो इन तीन कड़ियों को अगर छोड़ा जाए तो आगे आने वाले दिनों में भारत का ही भविष्य नहीं सुधरेगा। आज तो वास्तव में भारत विश्व का भविष्य सुधारने की एक श्रृंखला में सबसे आगे है और पूरे विश्व भारत की तरफ है। मैं एक बार फिर आप सभी को और अग्रवाल अग्रवा विकास ट्रस्ट दिल्ली और आज के आयोजकों को महाराजा अग्रसेन जयंती के सेवा दिवस समारोह के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा ये दूसरा अवसर है यहां पे आने का, लेकिन जो उत्साह पिछली बार देखा था वही उत्साह आज देख के मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 30 वर्षों से आपने काम शुरू किया है, ये जो 30 वर्ष पहले लाला चरती राम जी ने हम सबको प्रेरणा दी, हम सबको एकजुट किया, हम सबको जोड़ के ये संस्था का निर्माण किया, ये संस्था आगे इसी प्रकार से तेजी से समाज में अच्छा काम कर पाएगी, समाज में अपना काम के माध्यम से अग्रवाल समाज की प्रतिष्ठा बढ़ाएगी और हम सब कार्यकर्ताओं के रूप में जिसमें मैं भी शामिल हूं, हम सब कार्यकर्ता मिलकर इस काम को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से ईमानदारी से आगे बढ़ाएंगे, हम सबके बच्चों को इस काम से जोड़ेंगे। आज मैं थोड़े युवा युवतियों को देख रहा हूं लेकिन अभी भी अगर देखे तो थोड़ा पीछे जो बहन बैठी है उनको छोड़े तो युवा शक्ति अभी भी कम दिख रही है। अब हम सबके बच्चों को अगले वर्ष अगर सिंह जयंती पे हम सब लाए और इसको डबल और ट्रिपल मात्रा में भरे और ये काम जैसे चरती राम जी ने विजय जी को सौंपा या मेरे माता पिता ने मुझे सौंपा, वैसे ही हम सब अपने अपने बच्चों को और अब तो कुछ लोगों के ग्रैंड चिल्ड्रन भी होगा, पोता पोती सभी को हम इस काम में छोड़ते हुए इस समाज के काम को, समाज के बहुत अच्छे काम को जिसमें आप सब जुड़े हुए हैं, खासतौर पे नरेश जी तो एकदम मेरे पीछे
चलते रहते हैं, मेरे पीछे लगे भी रहते हैं, खड़े भी रहते हैं, दोनों ही हैं। आप सबको बहुत बहुत पुनः बधाई देते हुए महाराजा अग्रसेन जी के आशीर्वाद से और आप सबके स्नेह और आप सबके प्यार से मैं देश की सेवा कर सकूं, इसकी कामना करते हुए मैं आप सबसे विदा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।